बड़ी ही अफसोसनाक खबर, मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हुआ जानलेवा हमला। आप देख सकते हैं इस वीडियो में ममता बनर्जी का कहना है कि 4-5 लोगों ने मिलकर इन पर जानलेवा हमला किया है। इस हमले में वो शदीद जख्मी दिखाई दे रही हैं। इन्होंने कहा कि इनके खिलाफ साजिश करते हुए जानबूझकर इन पर हमला किया गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं बीजेपी हुकूमत में एक सीएम पर हमला हो सकता है तो आम आदमी पर हमला करना एक छोटी सी बात है। ममता बनर्जी पर इस कातिलाना हमले से सारे माहौल में कशीदगी पैदा हो गई। अवाम एक खौफ के माहौल से गुजर रही है। आप लोग तो जानते ही हैं कत्ल जैसी वारदातें तो आम हो चुकी हैं। कुछ दिन कबल ही एक वकील जोड़े का बहीमाना अंदाज में कत्ल किया जा चुका है। कत्ल करने और हमला करने वालों को किसी बात का डर ही नहीं रहा। आम आदमी तो आम आदमी अब सीएम पर हमला कर रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि ये एक मनसूबाबंद तरीके से हमला किया गया, मगर ये हमला नाकाम हो चुका है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए, और ममता बनर्जी ने मीडिया से भी कुछ बातें कही हैं। आइए जानते हैं तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साजिश है किसी की? लोकल पुलिस कोई नहीं था। लोकल पुलिस से कोई नहीं था। एसएसपी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ, पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया ही है। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी? शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में? जानबूझकर किया? हाँ दीदी, तो आपका आप कलकत्ता जा रहे हैं? Big allegation by CM Mamata Banerjee. Big allegation. আস্তে আস্তে ভাই, এই এরকম করো না দিদি। কি আস্তে আস্তে দিদি, কিভাবে হলো দিদি? ভিড়ের মধ্যে দিদি, এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে দিদি? ইচ্ছাকৃত দিদি, আপনার পা ফুলে রয়েছে দিদি, পা ফুলে রয়েছে। রাকেশ জি, কাম হিয়ার। दीदी एक बार टाइम्स नाउ को बता दीजिए। दीदी टाइम्स नाउ वॉन्ट्स टू नो दीदी इफ यू आर ऑल राइट, कैन वी स्पीक वन? दीदी एक बार टाइम्स नाउ को बता दीजिए, वी वॉन्ट टू स्पीक वन। ओके, जस्ट शी वॉज इंटरेस्टेड स्पीकिंग टू टाइम्स She's getting out of the car. She's getting out of the car. Bringing her out of the car, and she has been shifted to the back. Very dramatic visuals here on ground. She's just shifted to the back.